डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन शाखा गोरखपुर का द्विवार्षिक अधिवेशन रविवार को जिला महिला चिकित्सालय के ओपीडी हॉल में संपन्न हुआ। द्विवार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर संदीप वडोला और विशिष्ट अतिथि प्रांतीय मंत्री डॉक्टर के सचान उपस्थित हुए। अतिथि ने कहा कि अधिवेशन में संगठन के सभी केंद्र और जिले स्तर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा होगी। सम्मेलन में डॉक्टर के तिवारी, डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, डॉक्टर बीडी चौधरी, डॉक्टर सत्य प्रकाश भारती सहित विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर संदीप बडोला ने कहा, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, ये बात पर मैं स्वागत करता हूँ। मैं कहना चाहूँ खुलेगा तो रास्ता खुलेगा, अगर खोलना ना भी कभी आएगी, लेकिन मैं ये वादा करूँगा कि मैं उधर उस समय मैं अपने हाथ में फेर कर कभी जहाँ बात हो रही है कि भैया सीनियर को होना चाहिए, समय ने सिखा दिया है, जूता घिस गया है वो सब। ये मैं के सचान महामंत्री डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद शाखा गोरखपुर का द्विवार्षिक अधिवेशन है, जिसमें संगठन की तमाम बातों पर चर्चा होगी। तमाम समस्याएं जो केंद्र स्तर और जिले स्तर की हैं उन पर विचार विमर्श होगा और इसके बाद जनपद शाखा की कार्यकारिणी का चुनाव किया जाएगा। जी चुनाव के बाद जीतने जो विजेता होंगे, इससे क्या प्राथमिकताएं होंगी? अब ये चुनाव के बाद जो भी टीम जीतेगी वो अपने जनपद की जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे और साथ ही प्रांतीय स्तर पर जो हमारा आंदोलन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी भागीदारी की हम अपेक्षा करेंगे कि जनपद के जो साथी जीतेंगे वो पूर्ण रूप से वहाँ पर भागीदारी करेंगे।